वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वॉर्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादरी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। और मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त अजीज हम खिदमत भाई पादरी गिलबर्ट मौजूद हैं। हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं। भाई सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बड़ा अच्छा लगा एक बार फिर आपके साथ आज मिलकर इबादत करने का। वैसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं और आप हमसे प्यार करते हैं, खुदा के लोगों से प्यार करते हैं। यकीन जाने लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और पिछले दिनों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम प्रोग्राम नहीं कर पाए और बहुत ज्यादा लोगों ने आपको मिस किया और खासतौर पर मैंने इस कमी को बड़ा महसूस किया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप फिर हमारे साथ हैं। और बहन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगरचे कुछ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से बाज का हम उतना टाइम नहीं दे पाते जितना हमें देना चाहिए, लेकिन यह है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि पादरी सबको एंगेज रखूँ और एवरी फ्राइडे मैं कोशिश करूंगा कि इनको आपके लिए लेकर आऊँ और खुदा का पाक कलाम जो है ये हमारे साथ बांटे। इज वेरी गिफ्टेड, वेरी टैलेंटेड एंड कमिटेड क्रिश्चियन और खुदा के बहुत ही अच्छे खादम जिनके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो अजीजों, मैं जो दूसरे हम खिदमत बहन भाई मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जरूर आए और इस खिदमत का हिस्सा बने। ये जाल जो है ये अब पैसा भारी हो गया है और जरूरत है कि दूसरे हमारे साथ मिलकर इस जाल को खींचे। तो ये तो एक नोबडीज आइलैंड, कोई भी जो आदमी है जो जजीरा नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। तो मैं वो बहन भाई जो क्या पहली दफा हमें ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत सारे भी अजीज जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं हमें फेसबुक पे भी, मैं उनको भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे। तो अजीजो, अगर आप ये लिंक, ये जो फेसबुक का लिंक है, इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों अजीजों के साथ तो वो भी बरकत पाएंगे। और बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये पूरी दुनिया में देखा जाता है, www.bibletvglobal.com। इसके अलावा एक IPTV बॉक्स है, जादू बॉक्स उसको कहते हैं, और ये भी बहुत पॉपुलर है और खासतौर पर अमेरिका कनाडा में जो IPTV बॉक्सेस हैं उन पर आप इस चैनल को देख सकते हैं। एप्पल टीवी पे आप इसको देख पाते हैं, अमेजोन की जो फायर स्टिक है उस पर आप इसको देख सकते हैं, और इसके अलावा जो फ्री ऐप है आपके मोबाइल पे, चाहे आप एप्पल पे हैं या एंड्रॉयड पे हैं, वहां पर आप इसको देख पाते हैं। तो ये वो माध्यम है जिनसे आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ आज कुछ नए दोस्तों पुराने, लेकिन इस टीवी में वो आज पहली दफा हमारे साथ आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो मैं बहन सबरीना को और भाई अकबर को उनको वेलकम कहता हूँ। आई होप दे एंजॉयड देयर ट्रिप इन पाकिस्तान। अगर आप अभी पाकिस्तान में नहीं है, वापस आ गए, तो हम आपको वेलकम कहते हैं। और एल्डर सुहेल साहब हमारे साथ हैं, एल्डर विनय साहब हमारे साथ हैं, और इस तरह देखें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काफला बढ़ता जाएगा। तो वक्त जाया किए बगैर, क्योंकि कलाम जो है वो बड़ा जरूरी है और भाई सब बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। तो मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करना चाहूंगा, इमसाल उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से लेकर तो 7 आयात का खुदावंद के पाक कलाम को हम तिलावत करेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ अवर प्रोग्राम आई वुड लाइक टू रीड दैट प्रोवर्ब चैप्टर 3:1-7। खुदावंद का पाक कलाम सुनिए। सफर नंबर 618 पर है उर्दू की बाइबल में, यूं मरकूम है, आए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना, यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अकलमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदा उन पर तौकल कर और अपने फहम पर तकिया न कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। वैसे मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए। आइए दुआ मांगे। हमारे नहायत ही मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जब खुदावन तूने हमें
एक बार फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जमा किया ताकि मिलकर हम तेरी इबादत करें और खुदावंद हम साथ ही तेरी आवाज को भी सुने। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और पादी नोबल के लिए खुदावंद, इनकी सारी इस खिदमत के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, इनके पैशन के लिए खुदावंद खुदा, जो वो तेरे कलाम के लिए रखते हैं, तेरे लोगों के लिए रखते हैं, उनकी तालीम और तरबियत के लिए रखते हैं। और खुदावंद मेरी दुआ है कि इस मिनिस्ट्री को, इस खिदमत को बड़ी बरकत दे। पादी साहब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, सारे व्यूअर्स के लिए, पादी साहब की टीम के लिए, इनकी कॉन्ग्रीगेशन के लिए खुदावंद, जो इनके साथ मिलकर काम करती है खुदावंद, सब के लिए तेरे ढेरों बरकतें चाहते हैं। आज की इस इबादत को खुदावंद हम तेरे हाथ में देते हैं। सारे जो इंटरनेट के कनेक्शन है वो जुड़े रहे खुदावंद खुदा, और जहां जहां भी लोग बैठे हैं खुदावंद वो इस इबादत से बरकत हासिल करें। और खुदावंद हम सबको तू अपने पाक रूह की रहनुमाई दे ताकि हम तेरे रूह की रहनुमाई में आज की इस इबादत में हिस्सा ले सकें, सीख सकें, सिखा सकें और इस पर अमल कर सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू पास्टर। चैप्टर 13 वर्सेस 1-9। उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शलोह का बुर्ज गिरा और दब कर मर गए, तुम्हारी दानिश में यरूशलम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, मैं 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, अय खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। खुदावंद की बरकत उसके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा और पवित्र कलाम के लिए। खुदावंद आज जब हम इसे सीखना चाहते हैं तो अपने पाक रूह को हमारा उस्ताद बना। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि खुदावंद तू आप हो। खुदावंद सुनने वाले तेरे लोग, तेरे बेटे और बेटियां तैयार हैं खुदावंद, इनसे हम कलाम हो। और खुदावंद आज का ये कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। हम इसे सुने, इसे कबूल करें और इस पर अमल करने वाले हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो हम इस वक्त वी आर इन द सीजन ऑफ लेंट, और हर रोज हम खुदावंद की नजदीकी में आ रहे हैं, खुदा के करीब आ रहे हैं, उसके साथ अपने जो रिलेशन है उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और लेंट हर साल हमें ये मौका देता है, और आप देखें कि इसमें साल में 365 डेज होते हैं और हमारा जो लेंट होता है वो तकरीबन 40 दिन का होता है। और आप देखें कि इसको कह सकते हैं कि ये तकरीबन जो है 10% ऑफ द टाइम है साल का। और ये आप देख लें कि ये हमारी टाइथ भी हो सकती है कि साल में ये 40 दिन जो है वो हम खुदावंद के लिए अलग करते हैं, वक्फ करते हैं, अपने आप को अलग करते हैं और हम खुदा के साथ ये वक्त गुजारते हैं। और आप पहले भी बहुत मर्तबा सुन चुके होंगे कि लेंट है क्या, ये जो वक्त खुदा ने हमें दिया है इसका मकसद क्या है,
और हम बार बार इस पे खुदा के खादमों से पैगाम सुनते हैं। और आज जब मुझे पादी साहब ने कहा तो मैंने कहा कि लैंड के हवाले से हम आज इस हवाला को देखेंगे ताकि हम खुदा के कलाम की रोशनी में देख सकें कि हमारी रूहानी हालत क्या है, हम कहाँ खड़े हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि दो वाकयात जो हैं जिनका जिक्र हमें मिलता है, जब खुदावंद यीशु मसीह लोगों को तालीम दे रहे थे तो किसी ने उठकर खुदावंद यीशु मसीह को उन गलीलियों के बारे में बताया कि जिनको पिलातुस ने कत्ल करवा दिया और उनका खून जो था कुर्बानियों में मिक्स कर दिया। ये एक बड़ा वहां पे ऐसा वाक्य हुआ था जो कि बड़ा दिल खराश वाक्य था कि वो लोग जो कि इबादत करने के लिए गए थे, कुर्बानियां गुजारने के लिए हैकल गए थे, तो पिलातुस के जो लोग थे उन्होंने उनको कत्ल किया और उनका खून जो है वो कुर्बानियों में मिक्स कर दिया। और जब खुदावंद यीशु मसीह को ये बात बताई गई तो उनका रिस्पॉन्स क्या था, उन्होंने सवाल किया, उनको जवाब में उन्होंने सवाल किया कि क्या वो लोग, वो गलीली लोग जिनका खून पिलातुस ने कुर्बानियों में मिला दिया था, क्या वो बाकी सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे? और फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह उनको एक और भी वाकया का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि जब शलोह का बुर्ज गिरा और 18 लोग दबकर मर गए, क्या वो यरूशलेम के रहने वालों में सबसे ज्यादा गुनाहगार थे? वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, और अगर तुम तौबा ना करोगे तो तुम भी इसी तरह हलाक होगे। आज हम देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, अभी कोविड में क्या हुआ, कोविड में मिलियंस ऑफ पीपल चले गए इस दुनिया से, 9/11 में क्या हुआ, हजारों लोग मर गए उसमें, अभी यूक्रेन की जंग में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे वाकयात, ऐसे हादसात दुनिया में होते रहते हैं, और इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो लोग जो इस जंग में मारे गए या जो कोविड में मारे गए या 9/11 में मारे गए वो दूसरे लोगों से ज्यादा गुनाहगार थे। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जो मौत है, हमारी जो जिस्मानी मौत है, ये किसी वक्त भी वाकया हो सकती है, किसी तरीके से भी वाकया हो सकती है, लेकिन जो अहम बात है, जो जरूरी बात है सीखने की, वो ये है कि क्या हमने इस दुनिया से जाने से पहले तौबा की है। रिपेंटेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आवर सल्वेशन, क्या हमने तौबा कर ली है? हमें नहीं पता कि हमने कल का दिन देखना है या नहीं देखना। वो लोग जो कि यूक्रेन की जंग में मारे गए, उनको नहीं पता था कि रशिया ने अटैक करना है और वो इस तरह अचानक जो है वो दुनिया से चले जाएंगे। और हर रोज ऐसे हादसात होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिसहैप्स होते हैं जिनमें के बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने एक खूबसूरत तमसील बयान की है, और ये तमसील जो है ये हमारा आज का मजमून है। खुदावंद यीशु मसीह इस तमसील में हमें क्या सिखाती है, एक बेफल अंजीर का दरख्त है जिसकी खुदावंद यीशु मसीह ने मिसाल रखी है, एक ताकिस्तान है, एक बाग लगाया गया है और उसमें जो दरख्त है उनकी बड़ी आबियारी की जाती है, उनकी बड़ी लुक आफ्टर की जाती है, वहां पे गार्डनर रखा गया है, और जो मालिक है इस ताकिस्तान का वो आता है, इस बाग का मालिक आता है और वो एक दरख्त को देखता है और वो 3 साल से मुसलसल आ रहा है ताकि वो इस दरख्त में फल पाए और वो फल नहीं देखता। और जब 3 साल गुजर जाते हैं तो फिर वो आकर बागवान से कहता है कि देख, मैं 3 साल से इस दरख्त में फल ढूंढने आ रहा हूं लेकिन मैंने इसमें फल नहीं पाया, सो बेहतर है कि तू इस दरख्त को काट डाल ताकि ये जमीन को क्यों घेरे रहे। और जो बागबान है वो कहता है कि मालिक, 1 साल और दे इस दरख्त को, 1 साल और दे, मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, इसको खाद डालूंगा और अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसको काट डालना। ये जो पाकिस्तान है, ये जो बाग है, ये दरअसल बनी इसराइल कौम है
और अगर इसको आप और ज्यादा बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो आप यशाया नबी का सहीफा उसका पांचवां बाब खोलें, वहां पे आपको इस पाकिस्तान की तस्वीर मिलेगी कि खुद जब उसने पाकिस्तान लगाया उसमें उसने हर तरह की जो सहूलियात थी वो उनको मुहैया की, और फिर वो कहता है कि क्या अगर मैंने उसमें अच्छे अंगूर तलाश किए तो मैंने क्या गलती की, उसमें मुझे वहां पे खट्टे अंगूर मिले। खुदा जब इस पाकिस्तान को लगाता है तो उससे उसने बड़ा प्यार किया। ये बनी इसराइल कौम की हालत है जो कि गुलामी में थी, खुदा ने उसको उस गुलामी से निकाला, उसको उस मौदा मुल्क में ला के रखा जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती थी। खुदा ने उनके लिए सब कुछ किया और उस अपने नबियों को भेजा, लेकिन हम देखते हैं कि बनी इसराइल का रवैया कभी भी ठीक ना हुआ। जो फल खुदा उनमें देखना चाहता था, जिस मकसद के लिए खुदा ने उस कौम को चुना था, वो उसको पूरा करने में नाकाम रहे। आखिर में उसने अपने बेटे को भेज दिया और यीशु मसीह ने आकर उनको तमाम वो बातें जो इनको वो आज तक समझ नहीं सकते थे उसको उनको सिखाई, और यहां तक कि उसने अपनी जान भी उनकी खातर स्लीप पर दे दी। और खुदा कहता है मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं, अगर तब भी ये ईमान नहीं लाते, ये तौबा नहीं करते और ये फल नहीं लाते तो मैं इनके साथ क्या करूंगा। आज मेरे लिए आपके लिए ये मौका है कि हम सोचें अपनी जिंदगियों के बारे में। हमें खुदा बार बार मौके देता है, खुदा रहम दिल है, वो कहर करने में धीमा है, वो शफ़क़त तो रास्ते में गनी है। ये जो लैंट सीजन ऑफ लैंट है, जब हम इसमें कितनी दुआ करते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम कलाम को पढ़ते हैं, हम टाइट भी देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हमने तौबा नहीं की तो फिर हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा इस दुनिया में कितना वक्त बाकी है। अभी जो मिसालें अभी आपके सामने मैंने रखी हैं, इन गलीलियों की जो मिसाल है जिनका खून जो है पिलातुस ने कुर्बानियों में मिला दिया, या वो लोग जो कि शलोक के बुर्ज के नीचे आके मर गए, या वो लोग जो कि 9/11 में मर गए, या वो लोग जो कोविड में मर गए, या वो लोग जो आज यूक्रेन में मर रहे हैं, इनका क्या कसूर है? वो बहुत ज्यादा गुनहगार हैं, दूसरी सारी दुनिया से ज्यादा गुनहगार हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी किसी भी वक्त, हम सब गुनहगार हैं, हमें सबको तौबा की जरूरत है, हमें माफी की जरूरत है, और इससे पहले कि हमारा वक्त आ जाए हमें जरूरत है कि हम तौबा करें। और तो फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो उसने कहा कि तौबा करो, और फिर सिर्फ तौबा करना काफी नहीं है, तौबा के मुताबिक फल लाना भी जरूरी है। इफ यू रिपेंट वी नीड टू लिव अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। जो भी जिंदगी हम गुजार रहे थे उससे हमें मुख्तलिफ जिंदगी गुजारनी है, और हमें तौबा के मुताबिक फल लाने की जरूरत है। फ्रूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी बिलीवर। अगर हमारी जिंदगी में फल नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी जो है बेमानी है। आज मैं आपके साथ चंद एक बातें ऐसी शेयर करूंगा जो हमें हेल्प करेंगी कि हम किस तरह से एक रिपेंटेड लाइफ गुजार सकते हैं। अगर हमने तौबा की है तो तौबा के मुताबिक हमें फल लाने की जरूरत है। और मुकद्दस पालूस रसूल हमारी मदद करता है, इफ़सियों के नाम खत उसका चौथा बाब और उसकी 25 आयत में हमें गाइडेंस मिलती है कि अगर हमने तौबा किया तो उसके मुताबिक जो फल हमारी जिंदगी में है, जो कुछ हम कर रहे थे, जो भी हमने गुनाह किए हैं, जो हमने हुक्म उदुली की है, जो भी हमने गलतियां की हैं, आज हमें उन पे सोचने की जरूरत है, हमें गौर करने की जरूरत है कि किस तरह हम अपनी जिंदगियों से फल जो है वो जाहिर कर सकते हैं। और मैं पढ़ना चाहता हूं इफ़सियों 4 और उसकी 25 आयत में लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। अब जब लैंड की जब हम बात करते हैं, रोजों की बात करते हैं, रिपेंटेंस की बात करते हैं, तो इसमें दो चीजें करनी होती हैं। पहली चीज कि हमें कुछ छोड़ना होता है, जो हमारी पुरानी जिंदगी थी, जो वो काम जो कि खुदा को पसंद नहीं थे, उनको छोड़ना है। और ये काफी नहीं है, फिर हमें वो काम भी करने हैं जो कि खुदा को पसंद है, वो फल भी अपनी जिंदगी में दिखाना है जिसकी जिसके लिए हमें रखा गया है। अब जो दरख्त है, अंजीर का दरख्त है, उसका काम क्या है?
उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि वो फल लाए। अगर वो फल नहीं लाता तो फिर उसकी वहां पे जरूरत क्या है? उसको मालिक ने कहा कि इसको काट डाला जाए। इसी तरह से अगर हम फल नहीं लाएंगे तो हमारा अंजाम भी उस दरख्त से मुख्तलिफ नहीं होगा। तो पहली बात यह है कि हमें वो चीजें छोड़नी है जो कि खुदा को पसंद नहीं है, और वो चीजें करनी है जो कि कलाम के मुताबिक हैं, जिससे कि जिसे हम कह सकते हैं कि हम वो तौबा के फल हैं हमारी जिंदगी में। और जो सबसे पहली बात जो पालूस कहता है, वो कहता है बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। तो झूठ जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। शैतान जो है वो झूठों का बाप है, और खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां हमेशा सच बोलें। और दूसरी बात कहते हैं, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। गुनाह नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, और अगर हमारी किसी के साथ नाराजगी है तो उसको दूर कर लेना। अगर हम रोजा रखते हैं और जिनके साथ हमारी नाराजगी है, जिनसे हम खुश नहीं है, या कोई भी हमारे तनाजात हैं, अगर हम उनको खत्म नहीं करते तो उस हमारे रोजे का, हमारी उस इबादत का फायदा नहीं है। इसीलिए लिखा है कि अगर तू कुर्बानी गुजारने जाता है, तुझे याद आता है कि तेरे भाई से तेरा तनाजा है, तेरा गुस्सा है, तो पहले जाकर उससे सुलह कर ले। और फिर वो कहता है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास हो। ये एक और खूबसूरत बात है। अगर हमारी जिंदगी जो है हमने तौबा कर ली है, तो तौबा करने के बाद जरूरी है कि हमारी जिंदगी में जो भी बुरे काम थे, हर किस्म का जो बुरा काम था, उसे हमें छोड़ना है, और उसकी जगह पे हमें अच्छे काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, ताकि हमारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ हो। और तीसरी बात वो कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। पहली बात कि हमारे मुंह से जो भी गंदी बातें निकलती हैं, जो भी हम किसी के खिलाफ ऐसी गंदी बातें करते हैं, उनको बंद करना है। और जब इनको बंद करते हैं तो उसकी जगह पे हमें करना क्या है, वो करना है, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। एक जो निजात याफ्ता शख्स है, जिसने तौबा कर ली है, उसने खुदा के पीछे चलने का अहद कर लिया है, उसके लिए जरूरी है कि वो हर किस्म की गंदी बात जो मुंह से निकलती है उसको बंद करे, और उसकी जगह उसके मुंह से कलाम निकलना चाहिए, खुदा का कलाम। जो कलाम हमारे अंदर जाता है, वो कलाम हमारे मुंह से निकलना चाहिए, और हमारी बातचीत से, हमारी गुफ्तगू से लोगों को बरकत मिलनी चाहिए। और फिर कहता है कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। खुदा ने अपना पाक रूह हमें दिया है, ताकि उसकी रूह की हदायत से, उसकी रूह की मर्जी से हम खुदा के हुक्मों पर अमल कर सकें, उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। और फिर आखिर में कहता है, तुम में हर तरह की तल्ख मिजाजी, बस जरा जरा बात के ऊपर हम लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहर, गुस्सा, शोरगुल, बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाएं। ये वो बातें हैं जो कि खुदा को पसंद नहीं है। हम एक दूसरे के साथ, वो कहता है कि लव वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्यार करना है। और फिर आखिरी बात, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। आज इस कलाम की रोशनी में हम ये सीखते हैं कि एक फलदार दरख्त जो है, उसमें वो तमाम क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि खुदा चाहता है कि उसके बरगुजीदा लोगों में हो, उसके बेटे और बेटियों में हो। अगर हमने तौबा की है, यीशु मसीह ने हमारी खातर अपनी जान दी है, यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है, और उसने हमें ये सब कुछ करके दिखाया है, हमें यीशु की मानिंद बनने की जरूरत है। और आज मेरी दुआ है कि जब हम इन बातों पर गौर करते हैं, हादसात होंगे, बहुत सारी जाने जा रही हैं और जाएंगी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम कैसे इस दुनिया में जाते हैं, हम कब इस दुनिया से जाते हैं। सवाल ये है कि क्या हमने तौबा करके हमेशा की जिंदगी में अपनी जगह बना ली है या नहीं। हमें नहीं पता हमारे पास कितना वक्त बाकी है, लेकिन हमें जरूरत है कि हम फैसला करें कि हमने यहां से जाने के बाद रहना कहां है।
व्हाट इज आवर फ्यूचर, हमारी डेस्टिनी क्या है, आज हमारे लिए ये सोचने का मुकाम है। अगर हमारी जिंदगी में वो फल नहीं है, वो चेंज नहीं है जो खुदा देखना चाहता है, तो आज मेरी दुआ है इस कलाम के वसीले कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम तौबा करें, अपनी तमाम उन बातों को जो कि खुदा को पसंद नहीं है हमारी जिंदगी में, उनको दूर करें। यही मकसद है लेंट का। जब हम खुदा के हजूर आते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो कलाम हमारी जिंदगी को तब्दील करता है, चेंज करता है। हर रोज खुदा हमारी, यहाँ पे लिखा है ना, जब वो कहता है, बागबान कहता है कि मुझे थोड़ा मौका दे, इसको, इस दरख्त को एक साल और दे। खुदा तो बड़ा ही तहम्मल करता है। अगर खुदा तहम्मल ना करते तो दुनिया में कोई बच ही ना पाता। ये खुदा का तहम्मल है, खुदा का रहम है। खुदावंद बार बार मौका देता है कि हम तौबा करें। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की भारा फजल अदा करें। आमीन। थैंक यू भाई सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं किधर रह गया हूँ बीच में। हाँ जी, तो भाई साहब जो कलाम आपने पेश किया, मैं समझता हूँ कि ये आज की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के माहौल में, कि लोग ये सोच रहे हैं कि जी बस जैसे दुनिया के शुरू से था ऐसा ही अब भी हो रहा है। और पत्रस के खत को जैसे कि आजकल हम मुताला करें, मैं भी इसके बारे में बताऊंगा, तो लोग कहते हैं कि जी उसके आने का वादा किधर गया, बस ऐसी पता नहीं पादरी साहबान ने ये बात मशहूर कर दी हुई है और हम तौबा नहीं करते। और बहुत खूबसूरती से आपने इस बात को बयान किया कि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि जी वो चला गया, वो इस दुनिया से चले गए, वो तबाही होगी, तो शायद वो ज्यादा वहां पे गुनाह था, ज्यादा बदी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सबको जरूरत है कि हम रिपेंट करें। रिपेंट के लिए जो खूबसूरत बात है कि टर्निंग बैक, अपनी पुरानी जिंदगी से मुंह फेर लेना। और सिर्फ यही नहीं कि आप कहें ठीक है जी मैं गुनाहगार हूँ और उसके उसका सिर्फ एहसास करते रहे, बल्कि उसका इकरार करके और फिर गुनाह को तर्क भी करना है। तो बहन भाइयों, ये बड़ी खूबसूरत बात है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं भाई साहब आपके लिए, आपकी खूबसूरत तालीम के लिए जो आपने लोगों को दी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी इसी तरीके से खुदा का पाक कलाम हमारे साथ बांटते रहेंगे। मैं एक दुआ करना चाहता हूँ आपकी मिनिस्ट्री के लिए और सारे कलाम के लिए जो आपने पेश किया। आइए हम अजीजो दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि प्यार खुदावन तू हमें संभालता है। प्यार खुदावन हम गुनाहगार हैं, बातों बातों में खता कर जाते हैं, लेकिन है खुदावन तेरे फजल के लिए, तेरे हम के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि प्यार खुदावन तू हमें संभालता है, तू हमें मुआफ करता है। प्यार यीशु, मैं तेरे खादम के लिए और खूबसूरत पैगाम के लिए जो कि पाकरू के जरिए उन्होंने हम तक पहुंचाया, तेरा शुक्र करते हैं। उनकी खिदमत के लिए, उनके घराने के लिए, उनकी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ प्यार खुदावंद, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जितने लोगों ने भी इस कलाम को सुना है या बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को ऐ खुदावंद सुनते हैं, खुदावंद तू सबको बड़ी बरकत देना और अपने पाक कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का फजल दे। यीशु के जिंदा और जलाली नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन। 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 मैं एक दफा फिर ट्राई करता हूँ, अगर क्योंकि गीत जो है आवाज ही हुआ, गीत जो है वो अगर मुझे मिल जाए तो कोई बात नहीं। मैं चंद एक प्रोग्राम जो है वो बहन भाई आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो आज शाम को 7:30 बजे एवरी फ्राइडे हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं और ये अपनी नौयत का एक बड़ा ही डिफरेंट प्रोग्राम है। इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक प्रोग्राम। जूनियर चर्च जो है वो हमने शुरू किया भाई साहब, और बहुत ही खूबसूरत ये सिलसिला जारी है। पिछले काफ़ी महीनों से हम इसको कर रहे हैं और बेटी शाजिया जान जो हमारे सन्डे स्कूल टीचर भी हैं और बाय प्रोफेशन भी शी इज अ टीचर, और वो बच्चों के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को पेश करती हैं। तो मैं इनक्रेज करना चाहता हूँ ना सिर्फ हेस्टन एशियन यूनाइटेड फॉर्म चर्च के जो मेम्बरान हैं उनके बच्चों को, बल्कि जो बाकी भी जो बच्चे हैं, दिस अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी चिल्ड्रन दैट दे शुड टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम, एंड वंस यू विल स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन दिस प्रोग्राम यू विल एंजॉय दैट। सो एवरी फ्राइडे 7:30 दे विल बी अ जूनियर बाइबल स्टडी। नॉट ओनली ये कोई संडे स्कूल का वो ट्रेडिशनल प्रोग्राम नहीं है,
बल्कि इसमें जो स्टोरी टेलिंग जो इंस्टा है, उसके अलावा जो वीडियो पावर पॉइंट के जरिए जो आपको स्टोरीज जो है पेश की जाती हैं, तो मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि भी आप अपने बच्चों को लेकर बैठें, क्योंकि सब जो कुछ हमने सीखा संडे स्कूल से उसके फादियों से कोई भी इनकार नहीं कर सकता जी। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जो स्कूल्स में भी बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पर बच्चों के लिए क्रिश्चियन एजुकेशन नहीं है, घरों में भी इतना टाइम नहीं होता पेरेंट्स के पास, लाइफ इज सो मतलब अभी तो लोग जो है वो इतने बिजी हैं कि टाइम नहीं है बच्चों के लिए भी और खुद अपने लिए टाइम नहीं है, तो घरों पे भी हम नहीं सिखा पा रहे। चर्चिस में अनफॉर्चुनेटली इतना जो बच्चों पर फोकस नहीं किया जाता, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा एक कह लेंगे ग्लोबल चर्च है जो हमने शुरू किया लॉकडाउन के दौरान 2019 में, वो भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है और पूरी दुनिया में लोग जो है इसका हिस्सा बने हुए हैं, तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ तमाम पासवानों से भी कि अभी आप अपनी कलीसियाओं में अपने बच्चों को इनकरेज करें। अभी पाकिस्तान से जो मुझे फीडबैक अभी देखे सऊदीया से, पाकिस्तान से लोग जो है हमारे साथ हैं, कई नए दोस्त जो है वो आज उन्होंने ज्वाइन किया है, शनीना विल्सन हमारे साथ हैं, मलिक नबील साहब हैं, हमारी प्यारी वाजरा चांद हमारे साथ हैं, और सुलेमान अनिल जो सऊदीया से हैं, रुखसाना माइकल, नेम इज फेमिलियर टू मी लेकिन मैं चेयरमैन में याद नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, हमारे साथ एवेंजलिस्ट हैं नसीम अख्तर और बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनके मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा। तो मैं इन सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो पासवान भी देख रहे हैं कि आप अपनी कलीसियाओं में, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की, सॉरी बात बीच में फिर कहीं और चली जाती है, वहां पर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब वहां पे आपको पता है कि 3-4 किस्म के जो माध्यम है पैसा हमारे पाकिस्तान में, एक वो स्कूल है जो कि जिनको हम चटाई स्कूल या वो पंजाबी टाली स्कूल वो जिधर जिधर साया होता है स्कूल उधर ही चलाया जाता है, चटाइयों में बैठे होते हैं और धूप से बचने के लिए वो बेचारे दरख्त के नीचे बैठे होते हैं, और जिधर छांव होती है स्कूल उधर ही चला जाता है, फिर खींच की चटाई ले जाते हैं। तो एक तो वो स्कूल है जहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है, तो दूसरे वो स्कूल है जिनको हम गवर्नमेंट के स्कूल कहते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में जो है आपको क्रिश्चियन एजुकेशन नहीं दी जाती, वहां पर सोशल स्टडी या सिविक स्टडी जो है वो पढ़ाई जाती है और देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिश्चियन एजुकेशन। दूसरे फिर एक आते हैं जिनको हम कहते हैं कि थोड़ा सा हाई लेवल जो क्रिश्चियन स्कूल है जिनमें कैथीड्रल के स्कूल है और इस तरह के जो चर्चेज के स्कूल है, फिर जो प्राइवेट स्कूल है जो कि बड़े एक्सपेंसिव है, तो वहां पर जो बच्चे जाते हैं उनके लिए भी वहां पर मौका नहीं है। कैथलिक स्कूल में ऑफ कोर्स वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये सिचुएशन है। कुछ फिर आ जाते हैं लीड क्लास के जो स्कूल हैं जिनमें एजिसन है और इस तरह के जो स्कूल है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको जो टर्मिनोलॉजी है जो बिब्लिकल थियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है उनको समझ नहीं आती, तो पासवान बड़े बड़े अच्छे मैसेज देते हैं, बच्चे दे आर वेरी कमिटेड, चर्च भी जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्रिश्चियन एजुकेशन है जो बच्चों को चाहिए वो उनको उस तरीके से नहीं मिल रही। और जब मुझे पाकिस्तान से फीडबैक मिली कि जी हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में जो शाम का जूनियर स्कूल है उसको एंजॉय कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि शाम को हमारा हाउस जो है फुल होता है, सब बच्चे जो हैं वो अपनी नोटबुक और बाइबल लेकर आते हैं, शाजिया जो है उनको टीच करती हैं स्टोरी के जरिए पैराबल्स के जरिए। तो ये एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जरूर अपने बच्चों को आप इंकरेज करें कि वो शाम 7:30 बजे फ्राइडे को, अगर चाहे पाकिस्तान में 5 घंटे का फर्क है और रात को बच्चे जो हैं बजाय टीवी देखें या मोबाइल पे बातें करें, उनको आप बिठाएं ताकि वो प्रोग्राम जो है वो देखें, सिर्फ दिस जस्ट अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर आप बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करें, आप खुद उनके साथ उनको लेकर बैठें कि चले भी बैठें आपको ये सीखना है। उसके बाद जो लेंट बाइबल स्टडी है, मैं माफी चाहता हूँ तमाम बहन भाइयों से जो कि पाकिस्तान में है, और लास्ट संडे फ्राइडे में देख रहा था कि रात 12 बजे लोग जो है वो बाइबल स्टडी जो है ले रहे थे, तो विच इज वेरी गुड, और लेकिन मुझे अफसोस है कि ये प्रोग्राम जो है दोपहर को वहाँ पर ब्रॉडकास्ट, अभी पाकिस्तान में 2-3 बजे का टाइम है और वहां पर लोग जो है वो इसको देख रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका कैनेडा में जो लोग हैं वो उनके लिए ये सहूलत है कि वहां पर दोपहर का टाइम होता है, किसी सुबह का टाइम है, तो वहां पर जो लोग हैं वो बाइबल स्टडी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बाइबल स्टडी जो है हमने फर्स्ट पीटर जो है पत्रस का पहला खत जो है उसको शुरू किया है, और उसका जो अनुमान है वो है प्रोसिक्यूशन
और जो कलीसिया इब्तदाई कलीसिया जो सताई गई और उसमें जो पैगाम है उसका आज की जो 21वीं सदी की कलीसिया है उसमें हमारे लिए क्या मैसेज है। तो हम उसके जो पहले चैप्टर को हमने खत्म किया और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे तो खास करना चाहता हूँ कि शाम 8:30 बजे आपका जरूर हमें ज्वाइन करें और इस बाइबल स्टडी को आप लें। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में अभी इसको वॉच कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी होगी और बाइबल टीवी पे भी, और इसके अलावा फेसबुक पे रिकॉर्डिंग जो है वो होती है। मैं माफी चाहता हूँ, मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं बार बार, उस पर व्हाट्सएप पे मैं जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। तो दीगर जो प्रोग्राम है हमारे वो इस तरीके से हैं कि 27 तारीख को मदरिंग संडे पे बच्चे जो हैं वो खास एक प्रोग्राम जो है उसको कर रहे हैं। तो आप जरूर हेस्टन एशियन यूनिटी रिफॉर्म चर्च में आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। 2 बजे ये प्रोग्राम होगा, 27th of March संडे के रोज ये प्रोग्राम होगा। फिर हम एक शाम कल्जरी का जो प्रोग्राम है उसको हमने तरतीब दिया है, 3 अप्रैल को 2 बजे ये प्रोग्राम होगा। इसके साथ साथ जो हमारी रेगुलर सर्विसेज हैं सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में वो सर्विसेज जारी रहेंगी और 2 बजे ये प्रोग्राम होगा शाम कलवरी का। पाम संडे की जो इबादत है वो 1:30 बजे होगी प्रोसेशन के साथ, हम चर्च में आएंगे और उसके बाद पाम संडे की जो इतवार की जो इबादत है, मौंडी थर्सडे की इबादत जो है वो 7 बजे होगी, पाकिशा की इबादत होगी, उसके बाद हम मिलकर सब खाने में शरीक होंगे, अगापे मील जो है मसीही रफाक की खाना जो है वो होगा, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। गुड फ्राइडे की जो इबादत है वो 12 से लेकर 3 बजे होगी, जिसमें मुख्तलिफ लोग जो है वो कलमात पेश करेंगे, और उसके बाद जो सनराइज सर्विस है ईस्टर वाले दिन ईद उल क़यामतुल मसीह के दिन, उस दिन सुबह 5 बजे ये खास इबादत होती है तुलुए आफ्ताब की, और उसके बाद हम आपके लिए ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट जो है वो लेकर आए। भाई साहब आपको दावत है, अगर आप हलवा पूड़ी इंजॉय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लें आ जाएं, तो इससे 2 घंटे का सफर है कोई बात नहीं। 2 घंटे का सफर प्रॉब्लम नहीं है, जो सर्विसेज है ना वो मुझे यहाँ पे लेनी है। ईस्टर के दिन मेरी तकरीबन 3 से 4 सर्विसेज होती है। मैं तो कहता हूँ भाई साहब आ जाए लंदन में, आपको मिस करते हैं हम। तो थैंक यू। उसके बाद 10:30 बजे इंग्लिश में सर्विस होगी और फिर 2 बजे उर्दू हिंदी की सर्विस होगी, आपके डिनर का इंतजाम होगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर लंच और डिनर, आप हमारे साथ ठहरिए और जहाँ कहीं से भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और हमें इस बात का अंदाजा है बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं, कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे साथ जो है वो खाने में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है ये मैं आपसे बांटना चाहता था। भाई साहब ओवर टू यू, आपके चर्च में जो प्रोग्राम है अपॉर्चुनिटी है जब आप यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ इस प्रोग्राम में, तो आप जरा शेयर कीजिएगा कि आने वाले दिनों में आपके जो प्रोग्राम है अपने चर्च के बारे में थोड़ा समय बताइएगा। जी मैं वॉल्सोल में, यहाँ पे 2 कॉन्ग्रीगेशंस हैं, ऑल सेंट्स डार्लस्टन एंड ऑल सेंट्स मॉक्सली, और इन दोनों चर्चेज में हमारी एशियन फैमिलीज हमें ज्वाइन करती हैं और फिर हम उनके लिए वंस अ मंथ हम एक एशियन सर्विस रखते हैं, और वो होती है आमतौर पर जो लास्ट संडे ऑफ द मंथ होता है, दोपहर 3 बजे हमारी इबादत होती है। और अगर आप इस एरिया में हैं, यू आर मोर देन वेलकम, आप आए, फेलोशिप होती है, बाद में हम रिफ्रेशमेंट खाना वगैरह भी होता है, तो यू आर मोर देन वेलकम, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप आना चाहें। इस महीने क्योंकि लास्ट संडे जो है वो मदरिंग संडे भी है, तो उस दिन हमारा स्पेशल होगा आफ्टरनून में, जो मदरिंग संडे के हवाले से, तो उसमें भी हम आपको दावत देते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक और खास जो हम काम करेंगे अभी 31st of March को थर्सडे होगा, उस दिन हमने कॉफी मॉर्निंग रखी है, हमारे पास जो यूक्रेनियन अभी रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए हमने फैसला किया है कि हम इस कॉफी मॉर्निंग में लोगों को इनवाइट करेंगे ताकि वो आकर जो भी डोनेशंस देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, ताकि हमारे पास फूड बैंक भी रन करते हैं, और जितने भी आसपास के जो हमारे एरियाज हैं वहाँ से जो लोग किसी किस्म की उनको हेल्प चाहिए, हम उनको हेल्प भी करते हैं। तो इसी के लिए हमने ये कॉफी मॉर्निंग रखी है ताकि हम लोगों को उसमें मौका दें कि वो अपने डोनेशंस वगैरह दें और जो भी हेल्प वो ऑफर कर सकते हैं वो करें।
तो ये दो तीन प्रोग्राम है, बाकी जो ईस्टर की और गुड फ्राइडे की इबादत है वो एज रूटीन जो है वो होंगी। हमारी 3 बजे होती है इबादत, गुड फ्राइडे की इबादत भी 3 बजे होगी और ईस्टर की इबादत भी हमारी जो एशियन उर्दू सर्विस है वो 3 बजे होगी। और मेरी जो नॉर्मल इंग्लिश सर्विसेज है वो सुबह 9:30 बजे होती है ऑल सेंट्स डालसन चर्च में, और 11:00 होती है ऑल सेंट्स मॉक्सली चर्च में। अगर आप इन सर्विसेज को अटेंड करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। हर रोज मैं डेली लेंट रिफ्लेक्शन जो है जूम पर एक बाइबल स्टडी शुरू की है, एक कोर्स है लिव लेंट कोर्स, और इसमें हम सीखते हैं, हमने जेनेसिस से स्टडी शुरू की थी किस तरह खुदा ने दुनिया को बनाया और खुदा के जो प्लान्स थे जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया, और फिर उसकी अब तक जो है हम कल की जो हमारी बाइबल स्टडी थी, हम माउंट साइनाय तक पहुंच चुके हैं जहां पे खुदा ने मूसा को लॉ दिया था और खुदा ने लोगों से कहा था कि तुमने इस तरह से जस्टिस की बात कर रहे हैं हम लोग, कि किस तरह दुनिया में इस वक्त इनजस्टिस बहुत ज्यादा है और किस तरह चर्च जिसको खुदा ने इस दुनिया में रखा है पीस के लिए, और हमें जरूरत है कि हम जस्टिस और पीस की बात करें, देखें किस तरह जहां पे भी इनजस्टिस हो रहा है हम उसके लिए अपनी जो आवाज है उसको उठाएं, और जहां जहां भी लोग प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं, उनको दुख पहुंचाया जा रहा है, उनके साथ हम खड़े हों। तो ये बाइबल स्टडी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो 6:00 बजे मैं हर रोज डेली रिफ्लेक्शन के नाम से ये करता हूँ, और यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन अस। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ग्लूटेन के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, ग्लूटेन में जो हमने चर्च शुरू किया उसके लिए जो प्रोग्राम है मदर्स डे का, वो 26 तारीख को होगा, तो इसकी जो डिटेल है अगर आप मुझे लेना चाहें तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है 07718992824, और मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो nsamuel21@yahoo.com। तो इस पर आप प्रोग्राम के लिए अगर आपको तफसील चाहिए, मजीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे मैं सारे प्रोग्राम जो है वो मेरे पेज पे बाइबल टीवी ग्लोबल के पेज पे मौजूद हैं, और मैं उनको शेयर करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। तो भी अगर आपको एड्रेस की जरूरत हो, हाँ जी, हमारे चर्च का जो एड्रेस है वो है हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 309 विक्रेज फॉर्म रोड, हेस्टन TW50DR, और जो नियरेस्ट जो ट्यूब स्टेशन है वो हंसरो वेस्ट है, और आप आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बायर भी आ रहे हैं तो हिथ्रो बिल्कुल हमारे करीब है, अगर आप वैसे कई लोग यूरोप से आते हैं और टिकट ढूंढ रहे होते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी होटल में ठहरते हैं, आते हैं हॉलीडेज पे, ईस्टर हॉलीडेज पे, तो यू आर मोर देन वेलकम। पिछले दिनों कुछ लोग अमेरिका से भी आए और हॉलैंड वगैरह से, तो अगर आप हॉलीडे पे आ रहे हैं, यूरोप से हैं, अमेरिका कनाडा से हैं, सो बी योर गेस्ट, आइए हमें मिलिए, हम आपकी खिदमत करते खुश होंगे और आपसे मिलते खुश होंगे। तो ये सारे प्रोग्राम थे जो मुझे याद है, जब आप साउथ हॉल में हुआ करते थे तो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, यूरोप के जो कंट्रीज में हमारे बहन भाई थे वो आया करते थे कन्वेंशन में, याद है आपको? अभी हम तो वो याद कर रहा था जब आपने हीथरो एयरपोर्ट का कहा, तो वाकई यूरोप से भी हमें चाहिए कि वैसा ही फिर से एक मर्तबा जो है ऐसी नेटवर्किंग होनी चाहिए कि लोग एक भाई साहब हम कर रहे हैं, एंड आई विश कि आप इसमें शामिल हो, जितने भी यूरोपियन पासवान है उनकी एक मीटिंग हम कंडक्ट कर रहे हैं और नेटवर्किंग मैं कर रहा हूँ उसमें, जितने भी पासवान है वो सारे उसमें होंगे, और मैं डेफिनेटली आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है दूंगा। मेरे एक आध हफ्ते में वो मीटिंग है तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ बांटूंगा। आपको याद होगा कि पादरी एरिक सर्विस जो है वो कोच लेकर आए थे हॉलैंड से, और किंग्स हॉल मेथोडिस्ट चर्च में हमने ये प्रोग्राम किया था। एग्जैक्टली, वो मुझे याद है, बड़ी सर्विस हुई थी। और अभी भी मैं जो यूरोपियन कन्वेंशन हमारी होती है, सर पिछले साल नहीं हो सकी कोविड की वजह से, लेकिन इस साल हम इस कन्वेंशन को कर रहे हैं, तो बहुत जल्द उसकी जो सारी डिटेल्स हैं मैं आप तक पहुंचा दूंगा, और होपफुली God's willing, Reverend Dr. Maksood Kamil, he is due to arrive in UK, जो के director हैं, रिते जो center है, institute है, Institute of Leadership and Management, उसके वो director हैं, तो वो खुदा का पाक कलाम पेश करेंगे, तो hopefully, खुदा ने चाहा तो जून में हम ये convention जो है
ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यूरोपियन कन्वेंशन भी होती है, पूरे यूरोप से लोग आते हैं, और पिछली कन्वेंशन में रेवरेंड डॉक्टर खालिद थे, उसके अलावा खालिद नास साहब जो कि पाकिस्तान में पीएमआई टेलीविजन के जो मालिक हैं, चेयरपर्सन है, वो थे। इसके अलावा अमेरिका से कुछ दोस्त थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। तो अभी जो कन्वेंशन होगी, मैं अभी से आपको बारे में बता रहा हूँ कि ये यूरोपियन कन्वेंशन होगी, उसमें दूरों नज़दीक से जितने भी लोग हैं वो आएंगे और कलाम सुनेंगे, बरकत पाएंगे। तो अभी से आप तैयारी करें। तो मैंने जैसे बताया कि एक तो कन्फर्म हो चुके हैं डॉक्टर मकसूद कामिल, बाकी भी जो वेंटिलिस्ट जो प्रीचर है उनको बारे में आपको बताऊंगा। इसकी डेट जितना जल्दी हो सके बता दें, क्योंकि समर में बहुत सारी चीजें होती हैं तो डेट्स का बड़ा मसला होता है। भाई साहब, हमारे लिए जो प्रॉब्लम है कि हमारे चर्च की कैपेसिटी जो है वो नॉट मोर देन 100+ जो है, बस उसमें हम कर सकते हैं। तो पिछले दिनों में हमने जो हॉल जो है उसको हायर किया था, तो अभी भी क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग गुड नंबर ऑफ पीपल, तो उसके लिए है कि मुझे वेन्यू का पहले देखना है। डेट मैंने बताया कि होपफुली सेकेंड वीक ऑफ जून जो है उसमें हम कर रहे हैं, लेकिन यह कि जो जगह है प्रेमिसेस है वो मैं शेयर करूंगा। तो बहन भाइयों, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शाम को आप मिस ना कीजिएगा बाइबल स्टडी 8:30 बजे, और उसके अलावा जो मैंने बताया कि बच्चों का जो प्रोग्राम है जूनियर चर्च जो है उसको आप डेवेल्प करें और देखें कि बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी जो मैंने क्लासेस शुरू की है बच्चों की कन्फर्मेशन की, अपने चर्च में पहली क्लास हो चुकी है, इस संडे में जो कॉम्युनियन है जो उसकी जो पस मंजर है, जो उसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो शेयर करूंगा। और मुझे खुशी है कि भाई साहब उसमें जो पेरेंट्स थे वो भी बैठे हुए थे और बच्चों के साथ वो भी सीख रहे हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, यकीनन आप सीखना चाहते हैं, 2 बजे हमारा चर्च होता है, लेकिन उससे पहले मैंने 1 बजे ये प्रोग्राम रखा है जिसमें हम ये टीचिंग सेशन जो है वो कर रहे हैं। तो नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन दोज हु आर कैंडिडेट फॉर द कन्फर्मेशन, बट इट इज फॉर एवरीवन। सो डोर विल बी ओपन फॉर यू, आप आए और हमें ज्वाइन करें। और मैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं कल भी अपने सब से बात कर रहा था सुहेल साहब से, कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं बच्चों को फर्दर जो है उसमें स्टडी में, अगर बच्चे मेरे साथ 1-2 साल ये गुजार लें तो मुझे बड़ी कवि उम्मीद है कि ये बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो आप जरूर आए, और अगर आप सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं तो 1 बजे आप आए। बाकी चर्च की जो नॉर्मल सर्विस है जिसमें हिम्स और जो दुआएं हैं बाकी चीजें जो होती हैं जो नॉर्मल सर्विस है, तो वो 2 बजे होगी। लेकिन अगर आप लर्न करना चाहते हैं मजीद कम्युनियन के बारे में, तो इस संडे में बच्चों को सिखा रहा हूँ कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस खास जो फीस्ट है जो होली कम्युनियन है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप जरूर आइए। तो आइए हम दुआ मांगे, खुदा का शुक्र करें। वक्त देखिए कितनी तेजी के साथ गुजरता है, और आपका साथ रहा जी, तो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया है तौबा के हवाले से, तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। तो भाई आपके भी बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमारा साथ दिया, प्रोग्राम में आए, तो हम आपके लिए दुआ करना चाहते। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें जरूर शेयर करें हमारे साथ। एक माध्यम आपके पास मौजूद है, फेसबुक पे जाइए, वहां पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो हमें भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। क्योंकि देयर इज अ गुड नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर पार्ट ऑफ दिस स्टडी इन द मॉर्निंग इन दिस ब्रेकफास्ट शो, तो हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। एक और भी हमारा सिलसिला है जो कि मैं आपकी इंकरेजमेंट के लिए बताना चाहता हूँ कि एवरी डे हमारे एक ग्रुप है, ड्यू टू सम कॉन्फिडेंशियलिटी आई डोंट वांट टू मेंशन दैट, बिकॉज जहां जहां प्रोसिक्यूशन है जिस जिस कंट्री में भी है, उनके लिए हम सब मिलकर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ताइवान, चाइना, अमेरिका, कैनेडा से सब लोग जो है उसमें शामिल होते हैं। तो वो खास जिसमें एक हमारी अपनी एक लिंक है जिसमें हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं, जहाँ के भी लोग जो है वो सताए जा रहे हैं, और फिर हम उनके लिए दुआ करते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, इफ समबडी इज सफरिंग फॉर द सेक ऑफ गॉस्पेल, सो यू आर वेलकम टू गिव अस अ नेम, हम उनके लिए दुआ करेंगे, और फिर हम उनके लिए जो लॉबिंग है वो करते हैं, कंपेन करते हैं। और जो हमारी चैरिटी है सोशल हार्मनी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके जरिए हम उनके लिए पैसा लॉबिंग करते हैं पार्लियामेंट में, और जो अमेरिका में कांग्रेसमैन है उन तक हम अप्रोच करते हैं, ताकि हम उनके लिए कुछ कर सकें, उनकी मदद कर सकें। तो दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, हम उनके नाम नहीं बता सकते कंट्रीज के, उन लोगों के जो के अंजील की वजह से जो सताए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर आप किसी को जानते हैं तो आप हमें नाम दें, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हमारी प्रेयर चेन है एवरी डे वी आर प्रेइंग फॉर द परसिक्यूटेड चर्च, तो आप जरूर हमें बताइएगा, हम उनके लिए दुआ करेंगे और आपके लिए भी दुआ करेंगे। तो आइए
हम खुदा के सिर झुकें और दुआ मांगे और खुदा बरकत चाहें आप सबके लिए और इन सारे प्रोग्राम्स के लिए। खुदावन जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि प्यार खुदावन तूने ऐसा हमारे लिए माध्यम मुहैया किया है, ऐसा मीडिया हमें दिया है, ऐसा सोर्स दिया है जिसके जरिए खुदावन हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात अपनी सोचें बांट सकते हैं, तेरे कलाम को तेरे लोगों के साथ बांट सकते हैं। प्यार खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ तमाम अजीजों के लिए जो कि खुदावन इस प्रोग्राम का हिस्सा है। खुदावन दुआ करते हैं कायदा आने वाले दिनों में जितने भी प्रोग्राम्स हैं खुदावन उनको तू अपनी पाक मर्जी के मुताबिक आयत अपनी तक पहुंचाना। हम इस वक्त इल्तिजा करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि तेरे नाम से सताए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, जो कि खुदावन इस वक्त अमन के लिए कोशा है, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम दुआ करते हैं इस मुल्क के लिए कि खुदावन इस मुल्क की हिफाजत निगरानी कर, अपने प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए, क्वीन के लिए, जबकि खुदावन वो अपनी जुबली मनाने को है, खुदावन उनके सारे इंतजाम को तेरे हाथों में देते हैं, वहां तक के दहशतगर्दी से बचाना। और प्यारे खुदावन हम इस पर दुआ करते हैं पाकिस्तान के हालात के लिए जहाँ पर खुदावन पोलिटिकली अनस्टेबिलिटी है, लोग परेशान है, खुदावन महंगाई है, दीगर मसाइल है, खुदावन को अपने लोगों की पनागा बन। इसी तौर से हम इंडिया के लिए और दीगर तमाम ममालिक के लिए दुआ करते हैं, खुदावन वहां पर तेरा दाना हाथ काम करे। प्यारे यीशु जी मैं बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, जो लोग अस्पतालों में घरों बीमार हैं, हम सिंह के लिए इस बरकत के लिए दुआ करते हैं, प्यारे खुदा उनके तो अपना दाना हाथ बढ़ा और उन्हें कामल सेहत तंदुरुस्ती ता फरमा। बुजुर्ग के लिए दुआ करता हूँ खुदा उन सारी स्वेलिंग सारी तकलीफ तेरे यीशु नाम में जाती रहे, उनको तेरे पाक खून में छुपाते हैं। और दीगर तमाम बच्चों के लिए खुदा मैं दुआ करता हूँ कि प्यारे खुदा जबकि अबलीस है खुदा शेर बब्बर की मन हड़ता फिरता है कि तेरे लोगों को परागंदा करे, अबलीस की सारी चालों से बचा, टीचर्स के साथ हो, डॉक्टर नर्सिस के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा, मैं अपनी कलीसिया के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ इनके साथ हो। खुदावन इल्तिजा करते हैं कि इन रोजों के आयाम में खुदावन तो हमें हलीमी फरोतनी इनके सारी की रूह दे, एक दूसरे से प्यार करने की रूह दे। और प्यारे यीशु मैं मिन्नत करता हूँ दरख्वास्त करता हूँ कि प्यारे खुदावन जहाँ जहाँ तेरे कलाम की जरूरत है उन तमाम बंद दरवाजों को खोल, इस माध्यम को और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, बाइबल टीवी की सारी जरूरियात को तेरे सामने रखते हैं, तमाम पासवानों के लिए दुआ करता हूँ जो इसमें खिदमत करते हैं, खासतौर तेरे बंदा के लिए फादर गिलबर्ट डेविड के लिए खुदा दुआ करता हूँ तुम्हें और ज्यादा अपने पाक से मामूर कर, और ज्यादा हिकमत और दानाई दे, इनके घराने को बरकत दे, कलीसिया को बरकत दे। और प्यारे खुदा मुझ कमजोर ना चीज के साथ हो, अपने घराने के लिए एस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए, लुटन की कलीसिया के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, तो हम सबके साथ हो, सबको खुदा अपने पाक की रहनमई में चलने का फजल दे, आज का तमाम दिन तुम्हारे साथ हो। यीशु के जिंदा जलाली और कुदरत वाले नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर है जमीन पर भी, जमीन पर हमारे रोज रोटी आज हमें आजमाइश में ना पड़े बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही कुदरत हमेशा तक, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसी करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, नाज़रीन भाई साहब बहुत शुक्रिया। और शाम को आपसे मुलाकात होगी, मैं कोशिश करूंगा कि जो उधार है मेरा वो मैं पूरा कर दूं, कि गीत जो है वो चला दूं। I'm sorry once again for this technical problem, लेकिन खुदावन आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रहें। God bless you. Thank you, God bless you. God bless you.